फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल में ये डायग्राम, 3 फेज मोटर स्टार्टर डायग्राम। इसलिए हमें सबसे पहले 3 फेज मोटर को ऐड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट करें। ये ड्राइंग लेंगे, हटा देंगे। हमें लेना है सर्किट, इसलिए हम स्कीमेटिक में जाएंगे, सर्किट बिल्डर को ओपन करेंगे। बिल्डर में जाएंगे, ओके कर देंगे। बिल्डर में 3 फेज मोटर सर्किट लेना है, इसको इंसर्ट करते हैं। हमारा सर्किट चलने लगा है, हमारा सर्किट बन रहा है। हम अपनी इमेज को देखते हैं, तब तक इमेज में हमें दिया क्या है, 3 फेज मोटर है और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर में भी है और PLC, इसको डिनोट किए देते हैं। को भी हम बंद कर देंगे। ये नंबर है, वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मोटर है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। एडिट थ्री फेज मोटर एंगल वोल्टेज देने पड़ते हैं, 230 कॉमा 220 कॉमा 231 कॉमा 230 कॉमा 40 और 90 में देने पड़ेगा 200।
भी एडिट करना पड़ेगा, विजुअल। ट्रांसफॉर्मर इस सर में हमने देखा कि थ्री फेज मोटर सर्किट को हम कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हाँ, सब्सक्राइब करिए। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।